बारिशों की नज़र हो गई हैं और लोगों के घर कच्चे पक्के घर उन पे शदीद डैमेज हुआ है, कई घर तो बिल्कुल ही काफ़ी घर जो है बिल्कुल मुनहमद हो गए, तो उसके लिए भी ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि जल्द से जल्द एक असेसमेंट हो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रॉप की असेसमेंट करेगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो घरों की असेसमेंट करेगा, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट लाइफ स्टॉक की असेसमेंट करेगा, और फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया है कि वो जैसे 2018 में हमें बेयार और मददगार, सॉरी 2020 में बारिशें जो हुई थी बेयार और मददगार छोड़ दिया था, फेडरल गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं आई थी, और इसके बरक्स जब 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट थी, आपने सबने देखा कि मैंने ये वतन कार्ड और पाकिस्तान कार्ड की बात की, लेकिन उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो सारे कायम अली शाह साहब उनको ले कर हर जगह पर गए थे और उन फेडरल गवर्नमेंट से एक बड़ी सपोर्ट थी। हमें उम्मीद है कि अब वो 2018 के बाद जो 3-4 साल का ऐसा बुरा दौर आया था वो ख़त्म हो गया और हमें फेडरल गवर्नमेंट से सिंध के लोगों को सपोर्ट मिलेगी। हम अपने लिए सपोर्ट नहीं चाह रहे, हम सिंध के लोगों के लिए सपोर्ट चाह रहे हैं, और मुझे प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं और हम सिंध के लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरी बात मैं कह दूँ कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा है, और जैसे ये रिलीफ का काम ख़त्म होता है, साइड बाई साइड काम हो रहा है वो बाकी डिपार्टमेंट्स करेंगे, लेकिन पानी जैसे निकल जाता है और हमें एक नुकसान का अंदाज़ा होता है, वो सर्वे होगी, स्कीम्स बनेंगी, लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के स्कीम्स बनेंगी, ताकि हम वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है उसको हम जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैंने अपनी तरफ से एक टारगेट 6 से 8 महीने का रखा है कि हम इसको मुकम्मल करें। इसमें